दोस्तों, क्या आपने अंजीर की खेती के बारे में सुना है? आखिर अंजीर की खेती कैसे की जाती है और कैसे इतने सस्ते अंजीर को महंगा करके बेचा जाता है और अंजीर की खेती करके लोग कैसे हो रहे हैं माला माल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सूखे अंजीर को जरूर खाया होगा और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सूखे अंजीर के बारे में पता भी नहीं होगा कि आखिरकार अंजीर होता क्या है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूखे अंजीर को तैयार करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत में हम ये जानते हैं कि आखिर अंजीर होता क्या है। दोस्तों, अंजीर जिसे इंग्लिश में फिग भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे गुलर के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा फल होता है जिसे सूखा कर सूखे मेवे के रूप में खाया जाता है जो कि मार्केट में आसानी से किलो के भाव में मिल जाती है और ये अंजीर हमारे शरीर के लिए भी काफी लाभदायक मानी जाती है। दोस्तों, अंजीर को भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज्यादातर उगाया जाता है। अंजीर के पेड़ को उगाने के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और इस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच ही होना चाहिए। अंजीर के पौधों को अच्छी तरह विकास होने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। अंजीर का पौधा एक बार फल देने के बाद 50 से 60 वर्षों तक फल देते ही रहता है और फिर जब अंजीर का पौधा 4 से 5 साल का हो जाता है तब उसकी लंबाई 3 से 10 फीट तक हो जाती है और उनमें अप्रैल से जून के बीच फल आने भी शुरू हो जाते हैं। इनके फल गर्मियों के मौसम में पकते हैं, इसीलिए गर्मियों में इनके फल का रंग हरा से पीला हो जाता है और उसके बाद सारे फलों को तोड़ने के बाद उन्हें पानी से भरे बर्तन में रखा जाता है। अंजीर का फल विश्व का सबसे मीठा फल भी माना जाता है और इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। और आपको बता दूं कि अंजीर के एक पौधे से लगभग 20 किलो फल प्राप्त होते हैं और यहाँ पर इन सारे फलों को चाकू से एक एक करके काट दिया जाता है और फिर इनको धूप में कुछ दिनों तक सुखाया जाता है और जब ये अंजीर अच्छी तरह सूख जाते हैं तब इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ इन्हें कन्वेयर बेल्ट के द्वारा आगे भेज कर केमिकल युक्त पानी से धोया जाता है ताकि इनकी चमक बनी रहे और फिर अंजीर को धोने के बाद वह गीले हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हीटिंग मशीन में भेजकर सुखाया जाता है और फिर ये अंजीर फलों से सूखे मेवे के रूप में बदल जाते हैं जिसके बाद इनको मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से अंजीर की खेती की जाती है।